हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिव्या वालिया और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की टीचर। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। सो बच्चे, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर है हमारा क्लास 12th का। तो मैं पहले इसके प्रीवियस 3 पार्ट आपको करवा चुकी हूँ और ये है पार्ट नंबर 4, ठीक है, और ये लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। सो मैंने आपको प्रीवियस सारे के सारे जो पार्ट थे उसमें बताया था कि माइक्रोब्स क्या है, ह्यूमन लाइफ में कैसे बेनिफिशियल रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। जैसे हम एंटीबायोटिक्स हो गए, बेवरेजेस हो गए जो कि हम इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, उनमें हमें बेनिफिट करते हैं, बायोफर्टिलाइजर्स की तरह भी हम उनको यूज़ करते हैं, या फिर क्या करते हैं हम उनको हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। सो बच्चे, अब हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो है सीवेज ट्रीटमेंट। सो जो हमारा माइक्रोब्स होते हैं बच्चे, वो सीवेज ट्रीटमेंट में भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। सो बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे हम टर्शरी ट्रीटमेंट के बारे में। सो बच्चे, एनसीईआरटी में मेनली हमें ये दो ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो मेनली सीवेज अब क्या होता है, ठीक है, सीवेज क्या होता है, जैसे भी हमारा हाउस होल्ड का पानी आ रहा है, हॉस्पिटल्स का पानी आ रहा है, ठीक है, उसमें आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा पत्ते होंगे, या अगर हॉस्पिटल से कोई सीवेज निकल रहा है तो उसमें क्या होगा, मेडिसिन के पत्ते होंगे, डब्बे होंगे, ठीक है, कोई केमिकल भी हो सकता है, तो ये सारा मिलके करता है, पूरा सीवेज बनाता है, ठीक है। सो अब ये सीवेज को वाटर बॉडीज में पहुंचाने से पहले क्या करना पड़ता है, हमें ट्रीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है, जिससे कि क्या हो सके, हम उसको कंटामिनेशन फ्री या जो भी उसमें हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ होंगी और माइक्रोऑर्गेनिज़म्स होंगे उनका तो हम रोल करते हैं, लेकिन जो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं उनको क्या करना है, हमने निकालना है। क्या करना है, कुछ पत्थर हो सकते हैं, कोई सैंड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं सीवेज में, मतलब पूरा का पूरा कूड़ा करकट बोल सकते हो, तो वो इकट्ठा मिलकर क्या बनाता है, सीवेज बनाता है। सो बेसिकली इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी तो आपको हमारे मेन रहेंगे, पर टर्शरी ट्रीटमेंट हम किसी सीवेज का तब करते हैं बच्चे जब हमें उस पानी को फिर से क्या करना होता है, हाउस होल्ड यूज में लाना होता है, जब उनको आगे मतलब हाउस में पहुंचाना होता है, जिससे कोई भी हाउस होल्ड हम उसे काम कर सकें, पीने लायक बना सकें या यूज करने लाइक बना सके, तब हम टर्शरी ट्रीटमेंट देते हैं। अदरवाइज हम मेनली क्या देते हैं, 2 ट्रीटमेंट्स देते हैं। सो बच्चे, सबसे पहले क्या आएगा, हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट आएगा। यहां पे मैंने आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी कैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है या कैसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। सो बच्चे, मेनली आपको ये जो 2 दिख रहे हैं, यहां तक तो हमारा आएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, यहां तक क्या आएगा, हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट आएगा। आगे फर्दर जो दिख रहा है आपको बच्चे, ये है हमारा पार्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट का। क्या है हमारा पार्ट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का। और आगे फर्दर अगर हमारे लिए पॉसिबल हुआ या ज़रूरी हुआ हाउस होल्ड यूज़ के लिए, तो हम टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है। सो बच्चे, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे इस डायग्राम में, यहाँ से क्या आ रहा है, कोई भी सीवेज आ रहा है, सीवेज आ रहा है, कोई पानी आ रहा है, गंदा आ रहा पानी आ रहा है, तो सबसे पहले इस पार्ट में अगर आप देखें तो ये क्या है, इस चैम्बर को हम चैम्बर से मैं आपको बताती हूँ, चैम्बर बोलेंगे, फर्स्ट चैम्बर को हम बोलेंगे सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होगी, इसमें क्या होगी, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। तो मेनली इसमें अगर आप देखेंगे तो देखो बच्चे, इसमें क्या है, बहुत सारे फिल्टर्स लगे हैं, क्या लगा है, बहुत ज़्यादा फिल्टर्स लगे हैं। तो मेनली इस फिल्टर्स में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स बने होंगे ऐसे ऐसे, है ना, क्या होंगे, पोर्स बने होंगे। तो जैसे ही गंदा पानी बच्चे यहाँ से एंटर करेगा, तो हो सकता है उस पानी में बहुत बड़े बड़े पत्थर हों, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि थोड़ा छोटा बनाऊँगी यहाँ पे पोर, थोड़ा छोटा बनाऊँगी, तो जो बड़े बड़े पत्थर होंगे माना वो यहाँ पे रुक जाएंगे, क्या होगा, यहाँ पे छन गए, वो रुक गए, ठीक है। आगे थोड़ा सा बड़ा फिल्टर आएगा, तो उसके बाद क्या होंगे, थोड़े और छोटे छोटे जो हमारे पत्थर कंकड़ होंगे, तो ऐसे से करके सारी इम्प्योरिटीज़ जो बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, हमारे इन फिल्टर्स के द्वारा क्या होंगी, रुक जाएंगी। अब आगे जो हमारा सीवेज आएगा बच्चे, उसमें क्या होगा, छोटे छोटे कोई सैंड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं,
ठीक है। तो आगे जाके इतने में तो क्या हुआ कि आपका जो बड़े बड़े कंकर पत्थर थे, या अगर हॉस्पिटल से हो सकता है कोई डेड बॉडी भी हो सकती है जिसे पानी वगैरह में लोग गिरा देते हैं, तो वो भी यहाँ जाके क्या होगी, रुक जाएगी, आगे वो नहीं जाएगी। तो उसके बाद जब आगे हमारा सेकेंड चैम्बर में जो सीवेज आएगा बच्चे, उसमें क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स होंगे या छोटे छोटे कंकर पत्थर हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या, उसको हम आगे जाके करेंगे सेटलिंग टैंक बोलेंगे। अब ये सेटलिंग टैंक का मतलब क्या है बच्चे, सेटलिंग टैंक का मतलब है कि जो हमारी इंप्यूरिटीज, जो सैंड पार्टिकल्स वगैरह है, वो नीचे बैठ जाएंगे, नीचे क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता भी रखा है डॉट डॉट में, ये क्या है, कुछ सैंड पार्टिकल्स हैं, सेटल हो गए, तो इसलिए इस चैम्बर को क्या बोला जाता है, सेटलिंग टैंक बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, सेटलिंग टैंक बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट था ना, है ना। उसके बाद जो हमारा नीचे, जो हमारे जितने भी सैंड पार्टिकल्स कुछ होंगे, वो अब नीचे यहाँ पर निकलने लगेंगे, और इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है बच्चे, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज। पर इस केस में भी क्या है, अभी तक सीवेज हमारा प्रॉपरली क्या हुआ है, फिल्टर नहीं हो पाया अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमने उसमें से मोटी मोटी चीज़ों को क्या किया है, सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें ही उससे निकाली हैं। तो आगे जाके क्या होगा, ऊपर का पार्ट जो हमारा बचता है सीवेज का, उसको बोल देंगे प्राइमरी इफ्यूलेंट, ठीक है। क्या बोल देंगे, जो सेटल हो गया दैट इज स्लज, और जो अभी तक भी बचता है दैट इज प्राइमरी इफ्यूलेंट। इतना आपको समझ में आ गया। तो बच्चे यहाँ तक हमारा क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये वाला प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, खत्म हो जाता है। आगे जाके फिर ये सीवेज यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ है, हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो उसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे, इस टैंक में बच्चे कुछ क्या होंगे, माइक्रोब्स होंगे, मेनली बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी हमारे माइक्रोब्स होंगे। और इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना है, हमें ब्रेक, इसको तोड़ना है, ठीक है, ठीक है। तो तोड़ने के लिए हम माइक्रोब्स इसमें यूज़ करेंगे बच्चे। तो होगा क्या, बेसिकली आपने एक चीज़ सुनी होगी, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो 1 लीटर पानी में जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, 1 लीटर पानी में हमारे ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए हमारे माइक्रोब्स कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करते हैं, दैट इज़ योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहती हूँ कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है बच्चे, 1 लीटर पानी में, ठीक है, 1 लीटर पानी में हमारे ऑर्गेनिक मैटर को, ये जो है हमारे ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोब्स तोड़ने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करते हैं, दैट इज़ योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जैसे जैसे हमारे माइक्रोब्स इन सबको तोड़ेंगे, ठीक है, इस सबको तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा पानी जैसे जैसे क्या होगा, इम्प्रूव, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे पानी हमारा इम्प्योर होता जाएगा बच्चे, धीरे धीरे क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, धीरे धीरे वो भी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर जब तक यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा था बच्चे, तब तक क्या थी, ऑक्सीजन डिमांड क्या थी, माइक्रोब्स को क्या थी, ज़्यादा ज़रूरत थी, तो अब तक तो वो राइज कर रही थी। पर जैसे जैसे इम्प्योरिटीज़ कम होती गई, वैसे वैसे क्या हुई, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होती गई, कम होती गई। और वहां पे हमारे माइक्रोब्स वगैरह एक क्या होते हैं, मास लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, दैट इज फ्लॉक, दैट इज फ्लॉक। फिर आगे जाके बच्चे फिर से हमारा सीवेज यहां पे जाएगा, ठीक है, फिर से हमारा सीवेज यहां पे जाएगा, ठीक है। और यहां पे जाके क्या होगा, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी सेटलमेंट टैंक, ठीक है, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेटलमेंट टैंक। अब जो फ्लॉक होगा बच्चे वो यहां पे चला जाएगा, यहाँ पे जाते जाते बच्चे क्या होगा, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, प्यूरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और आगे जाके यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे मिथोजन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, मिथेनोजन होंगे। और ये क्या कर, इसको क्या बोलते हैं, एनएरोबिक डाइजेस्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनएरोबिक होते हैं, जबकि यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स थे, क्या थे, एरोबिक माइक्रोब्स थे। वहाँ पे जाके वो फ्लॉक को क्या करेंगे, फिर से तोड़ेंगे, उसको प्यूरीफाई करेंगे अच्छे से, और प्रॉपरली क्या हो जाएगा, हमारा वाटर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़ हो जाएगा। अब ये तो थे हमारे 2 ट्रीटमेंट, एक था हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक था हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आगे अब फर्दर हमें क्या करना होगा, इस पानी को अगर हाउस होल्डर्स यूसेज के लिए लेना होगा, आगे उनको देना होगा, तो यहाँ पे आगे जाके इसके बाहर क्या करते हैं, फिर हमें क्या करते हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी तब करते हैं अगर हमें उसकी लोड हो। तो ये मैंने आपको बताया कि सीवेज ट्रीटमेंट होता क्या है, ये एक चैम्बर था, इससे सबसे पहले आपने बड़ी बड़ी जो उसमें इम्प्योरिटीज़ थी
उनको सेट उनको निकाल के यहाँ पे उन इम्प्योरिटीज को सेटल कर दिया। आगे यहाँ के क्या हुआ, हमारे माइक्रोब्स ने काम किया, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ा, यहाँ पे मिथेनजन ने तोड़ा, यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स थे, यहाँ एनएरोबिक माइक्रोब्स थे, ठीक है। और ये सारी प्रोसेस क्या है हमारी, सीवेज ट्रीटमेंट की है, राइट। सो बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था सीवेज ट्रीटमेंट के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, तो जो मैंने आपको बताया था तो हमारा थर्ड पार्ट था, टर्शियरी ट्रीटमेंट था बच्चे। तो उसमें क्या करते हैं, मेनली उसको क्यों यूज़ किया जाता है, जब वाटर को हमने यूज़ करना हो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, तभी टर्शियरी ट्रीटमेंट को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। साथ में इसमें किया क्या जाता है, इसमें जो भी हमारे डीडीटी, पेस्टिसाइड्स या पैथोजेंस हमारे सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इसलिए जो टर्शियरी ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, अगर वो वाटर हमें डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए क्या करना है, यूज़ करना है। सो बाकी बच्चे लास्ट है इसमें, ये आपको नीट में भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो मेनली रिवर एक्शन प्लान चलाए थे, ये रिवर एक्शन प्लान किसने चलाए थे, ये चलाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने, ठीक है। क्यों चलाए हैं, वो इसलिए चलाए थे क्योंकि जो हमारे मेजर रिवर्स हैं हमारी कंट्रीज के, ठीक है, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, इनको क्या कर सके हम, पॉल्यूशन से बचा सकें। सो मेनली गंगा एक्शन प्लान चलाए थे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने, या फिर यमुना एक्शन प्लान चलाए थे। जो गंगा एक्शन प्लान था वो हमारा था 1985 में चलाया गया था, कब चलाया गया था, 1985 में चलाया गया था। सो बच्चे यहाँ पे मैंने आपको सीवेज ट्रीटमेंट का समझाने की कोशिश की है, एंड होप आपको समझ में भी आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट, और इससे ही ये क्या होता है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।